दोस्तों सीआईडी में अभिजीत और तारिका दोनों ही काफी मशहूर एक्टर एक्ट्रेस हैं। लोग इन दोनों की जोड़ी को देखना खूब पसंद करते हैं और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो आज हम आपको इन दोनों की रियल लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कौन किससे कितना अमीर है और किस पर कितनी प्रॉपर्टी है। अगर आप भी सीआईडी सीरियल में इन दोनों के किरदार को करते हैं पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें, तारिका सीआईडी सीरियल में एक पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट के किरदार से जानी जाती है। तारिका वैसे तो अहमदाबाद गुजरात में रहती हैं, पर अब वे फिलहाल अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में रह रही हैं, जहां वे एक आलीशान जिंदगी जी रही हैं। आपको बता दें, इनके घर की कीमत करोड़ों में है और आप इस वीडियो में इनके घर की कुछ झलक भी देख सकते हैं। दोस्तों तारिका के पास एक कार ह्यूंडई वर्ना जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है। वहीं अगर बात करें इनके नेटवर्थ की तो इनका नेटवर्थ लगभग 5 से 6 मिलियन US डॉलर यानी 36 से 38 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें दोस्तों अभिजीत की, अभिजीत अपनी होशियारी और बहादुरी से केस सोल्व करने से जाने जाते हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र में एक आलीशान हाउस में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए इनके घर की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें, इस घर की कीमत करोड़ों में है। दोस्तों अभिजीत के पास एक फॉर्चुनर कार जिसकी कीमत 40 लाख रुपए और एक मारुति सियाज जिसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। इसके अलावा आपको बता दें, आदि का नेटवर्थ 11 मिलियन US डॉलर यानी 80 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ये थी सीआईडी के दो बहादुर ऑफिसर्स की प्रॉपर्टी। आप इन दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।